नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल भैया जी घूमना में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हरियाणा के प्रमुख प्रजनन केंद्र। यहाँ से अच्छे से क्वेश्चन आपको पक्का पुटअप करेगी जो भी भविष्य में एग्जाम होगा है इस पटवारी के हिसाब से कहने लगा। तो चलो शुरुआत करते हैं, हरियाणा के जो प्रजनन केंद्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 10 से 11 है। हम उनको एक 10 से 11 वो अभी शुरुआत करते हैं। तो जो पहला है मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है हिसार से 4 प्रजनन केंद्र है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा एचएससी हर एग्जाम में लगभग पूछती है। तो शुरुआत करते हैं हिसार से। पहला तो जो है भेड़ प्रजनन केंद्र, भेड़ प्रजनन केंद्र ये हमारा पड़ता है हिसार में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1968, यानी ये भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में तो पड़ा था 1968 में। उसके बाद अगला है सुअर प्रजनन केंद्र, सुअर प्रजनन केंद्र ये भी हमारा हिसार में पड़ता है, हिसार में पड़ता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1982 में। एचएससी करना 2019 सितंबर में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा में सबसे ज्यादा सुअर कहाँ पाए जाते हैं। तो उसमें एचएससी जो काफी जो स्टूडेंट है वो इशारे करके आए थे, लेकिन एचएससी ने जो बताया आंसर उसका बताया कि सोनीपत में सबसे ज्यादा सुअर पाए जाते हैं। ये आंसर एचएससी ने दिया हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि एचएससी हमेशा एक दो क्वेश्चन तो दोस्तों ऐसे डालते हैं जिसका आप आंसर चाहे कितना भी पढ़ो उसका कुछ अलग ही देगी। ठीक है, उसके बाद जो अगला है भैंस प्रजनन केंद्र, भैंस प्रजनन केंद्र ये हमारा हिसार में पड़ता है, ये हिसार में पड़ता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 में। ये क्वेश्चन लगभग से 4-5 बार पूछ चुकी है कि भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर है या फिर इसकी स्थापना कब हुई थी। सुअर भी आ चुका है, भेड़ शायद आया हो मैंने देखा नहीं, बट ये है कि भविष्य में जो एग्जाम होगा वो पूछने को मिलेगा। उसके बाद जो अगला है वो है असुर प्रजनन केंद्र, ये भी पड़ता है हमारे हिसार में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1986 में। तो ये जो 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये चारों के चारों हिसार में पड़ते हैं। पहला है भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में 1968 में, सुअर प्रजनन केंद्र जो हिसार में 1982 में, भैंस प्रजनन केंद्र ये हिसार में 1985 में, असु प्रजनन केंद्र हिसार में 1986 में। उसके बाद जो अगला जो है वो है अपना चिकारा प्रजनन केंद्र ये हमारा पड़ता है कैरू। कहाँ पड़ता है कैरू? कैरू किसमें पड़ता है? भिवानी में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 में। चिकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पड़ता है? कैरू भिवानी पड़ता है। भिवानी में जो स्थापना हुई थी इसकी 1985 में। एक है सर दोस्तों मेरे भाइयों मोर चिकारा प्रजनन केंद्र ये हमारा पड़ता है जामुआ, और जामुआ पड़ता है रेवाड़ी में, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2013 में। चिकारा और मोर इनमें दो अंतर है, ये चिकारा प्रजनन केंद्र ये पड़ता है कैरू भिवानी में अपने, और ये मोर चिकारा प्रजनन केंद्र ये पड़ता है झंगुआ पड़ता है रेवाड़ी में, स्थापना हुई 2013 में। ये चिकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी 1985, भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में 1968, सुअर प्रजनन केंद्र हिसार 1982, भैंस प्रजनन केंद्र मोस्ट इंपोर्टेंट है बार बार पूछती इसको, भैंस प्रजनन केंद्र पड़ता है हिसार 1985, असु प्रजनन केंद्र हिसार 1986, मोर चिकारा प्रजनन केंद्र पड़ता है झामुआ पड़ता है रेवाड़ी में 2013 में, इसकी
स्थापना हुई थी। एचएससी कंट्रैक्ट में एग्जाम आ रहे थे, सूर्य सिद्धार्थ हरियाणा में कहाँ होते हैं, तो वो है अपना सूर्य। ठीक है, उसके बाद अब अगले उसके बाद जो अगला है वो है अपना गिद्ध। गिद्ध प्रजनन केंद्र ये पड़ता है हमारा पिंजोर, पिंजोर पिंजोर पंचकुला में, और पिंजोर पड़ता है कहां पर, पंचकुला में। दोस्तों मेरी लिखाई का थोड़ा सा ऐसा है, लिखाई आपको बिल्कुल थोड़ी समझ में आएगी क्योंकि ज्यादा साफ नहीं है। ठीक है, पिंजोर पंचकुला में, एशिया का सबसे बड़ा गार्डन कौन सा है, पिंजोर पंचकुला। पिंजोर गार्डन किसने बनाया था, फिदाई खान ने बनाया था, फिदाई फिदाई खान ने बनवाया था अपने मौसेरे भाई, यानी मौसेरे भाई औरंगजेब के आराम के लिए फिदाई खान ने ये पिंजोर गार्डन बनाया था पिंजोर पंचकुला में। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2001 में। उसके बाद जो अगला है, फिदाई खान ने बनवाया था पिंजोर जो गार्डन, फिसेंट फिसेंट प्रजनन केंद्र, फिसेंट प्रजनन केंद्र ये भी पड़ता है हमारे पंचकुला में। दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो मैंने काफी जगह देखी, लेकिन इसकी स्थापना है क्या कभी मेरे पास नहीं है डाटा इसका, तो मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी मैं आपको दूंगा उसमें, तब तक के लिए आप इसको होल्ड कर दीजिए। उसके बाद जो अगला है रेड फाउल, रेड फाउल प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र ये भी हमारा कहां पड़ता है, पंचकुला में, पंचकुला में पड़ता है, और इसकी भी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों 2001 में। कब हुई थी, 2001 में। उसके बाद जो अगला है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ मगरमच्छ प्रजनन केंद्र ये हमारा पड़ता है भोर सौदा में, भोर सौदा, भोर सौदा, और भोर सौदा कहाँ पड़ता है, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में राजा कुरु की नगरी कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र वह स्थान था महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध चला था 18 दिन, भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर गीता को उपदेश दिया था, गीता को उपदेश दिया था ज्योतिषर नामक स्थान पे। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र का है भोर सौदा कुरुक्षेत्र में, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1981 या फिर 82, इसमें 1981 ऑप्शन मिलेगा या फिर 1982 ऑप्शन मिलेगा, मगरमच्छ हो गया। उसके बाद अगला एक है हमारे हरियाणा में काला, काला तित्र, काला तित्र प्रजनन केंद्र, काला तित्र प्रजनन केंद्र ये पड़ता है पीपड़ी, पीपड़ी पड़ता है कुरुक्षेत्र, वही राजा कुरु की नगरी कुरुक्षेत्र, काला तित्र प्रजनन केंद्र पीपड़ी में पड़ता है। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1985 में। काला तित्र पर्यटन स्थल कहाँ है, काला तित्र पर्यटन स्थल है वो सिरसा में, हरियाणा का राज्य के पक्षी कौन सा है वो भी काला तित्र है। दोस्तों यहाँ तक हमारे 10 से 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी है प्रजनन केंद्र वो है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आपको भविष्य में अगर जैसे देगी तो यहाँ से उठाकर इससे बात को क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। दोस्तों आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, दोस्तों लाइक करो शेयर करो और सब्सक्राइब करो। दोस्तों आपसे एक बात शेयर और करनी थी, हमने फेसबुक पर एक पेज बनाया है अपने गृह एजुकेशन पॉइंट के नाम से, वहां पर जाइए आप ज्वाइन कर लेते हैं कि हम जब 30 से 40 बच्चे हमारे साथ यानी भाई हमारे साथ जुड़ जाएंगे तब हम आपको वहां पर लाइव टेस्ट देंगे हरियाणा जीके के 20 या 25 क्वेश्चन, 20 या 25 क्वेश्चन हम डेली आपको हरियाणा जीके से रिलेटेड वहां पर डालेंगे। आप आपको टेस्ट देंगे वहां पर, खुद रिजल्ट देखेंगे वहां पर, आपको खुद अपना आप महसूस होगा कि आप कितने पानी में, आपको डेली टेस्ट अपडेट मिलेगा 20 से 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, वहां पर आप जाइए ग्रेजुएशन पॉइंट में आप ज्वाइन करें
और वहां पर आपको डेली जिस दिन हम 30 से 40 बंदे वहां पर अपने ग्रुप में जुड़ जाएंगे वहां पर हम आपको डेली के डेली क्वेश्चंस अवेलेबल कराएंगे हरियाणा जी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट एचएससी से भविष्य में जो भी पूछ सकते हैं। और हमारी डेली यहाँ पर क्लासेस चलते रहेगी, हर एक दूसरे दिन चलते रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और